हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए फिर से अल्फ़ाबेट रीडिंग लेकर। इस रीडिंग में हम आपके पर्सन के मैसेजेस चेक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रेजोनेट करें इसके लिए यहाँ पर मैं पाइल क्रिएट करूँगी, दो पाइल क्रिएट करूँगी। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने पर्सन के नाम के फर्स्ट लेटर से ये रीडिंग देखनी है, ठीक है? सो जिस भी पाइल में आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर आएगा उस पाइल को आप चूज़ करके उसमें आपको मैसेजेस मिलेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, जिन भी व्यूवर्स को पाइल वन में मैसेजेस मिलने वाले हैं उनको पाइल वन, और जिन भी व्यूवर्स के मैसेजेस पाइल टू में हैं उनको पाइल टू। प्लीज़ गाइड करें पाइल वन पाइल टू, इस हाथ में पाइल वन रहेगा गाइज, इसमें पाइल टू, ठीक है? जे बाहर क्यों आ रहा है? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ये पाइल वन है, ये पाइल टू है, ठीक है? तो पाइल टू को मैं यहाँ रख रही हूँ। पाइल वन में सबसे पहला अल्फ़ाबेट है ए, वाई, ई, ओ, आर, यू, टी, V, K, F, P, ठीक है? इनमें से अगर आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर है तो ये है पाइल नंबर वन। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन के मैसेज क्या हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर आपके लिए जो मैसेजेस निकल कर आए हैं, सबसे पहला मैसेज तो ये है कि आपके पर्सन वापस आ रहे हैं इस पाइल को, जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको, जिनके पर्सन चले गए थे दूर लेकिन अब वापस आ रहे हैं। मैसेजेस कॉल्स आपको रिसीव हो सकते हैं, आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में अभी भी कोई थर्ड पार्टी है। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी चली गई है, लेकिन आपके पर्सन थर्ड पार्टी में खुश नहीं हैं। उस सिचुएशन से बाहर निकल के आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इन्होंने बहुत सारे सपने संजोए हैं कि आपके साथ कैसे रहना है, कैसे आपकी ज़िंदगी रहेगी, खुशहाल ज़िंदगी रहेगी। इन्होंने हर तरीके से आपको टेस्ट किया है, आपका पेशेंस, आपका सब्र ट्रस्ट किया, आपकी लॉयल्टी ट्रस्ट की है, आपका डेडिकेशन ट्रस्ट किया है। बहुत ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन इन्होंने हमेशा आपको उसमें जीत हासिल करते हुए पाया है। मतलब इन्होंने हर तरीके से आपका सब्र चेक किया है कि आप इनके बुरे वक्त में, इनके अच्छे वक्त में कैसे हो, कैसी सिचुएशन में आपने इनको ट्रीट किया है। हो सकता है काफ़ी समय से आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं बट अभी तक इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी है। अगर आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है या कोई प्रॉब्लम आई है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, तो भी यहाँ पर सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आ रहा है। आप दोनों में से कोई एक है जिसकी ज़ुबान थोड़ी कठोर है, जिसकी ज़ुबान की वजह से आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। तो आपके पर्सन का ये भी मैसेज है कि अपनी कम्युनिकेशन पर अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल रखें, और आपका इंटेंशन प्योर होता है बट कई बार आप या आपके पर्सन कुछ ऐसा बोल जाती हैं या बोल जाते हैं जिसके कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो आपके पर्सन डेफिनेटली वापस आने वाले हैं पाइल वन, खुश हो जाइए। आपके पर्सन अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपना लव, अपना केयर सब आप पर निछावर करने वाले हैं, और ये रीडिंग देखने के बाद मोस्ट प्रॉब्ली 3 to 4 days के अंदर या 3 to 4 hours के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। अगर इस रीडिंग को देखने के बाद ये चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर टू, जिन्होंने भी पाइल नंबर टू सेलेक्ट किया है, जिनके भी पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर पाइल वन में नहीं आया है वो सब पाइल टू में होंगे। सो पाइल टू में हमारे पास है सी, एस, जेड, एक्स, जे, जी, एन,
डब्ल्यू क्यू बी डी एल एच एम आई, ठीक है, ये अल्फ़ाबेट्स हैं गाइस पाइल टू में। देखते हैं आपके पर्सन का मैसेज क्या है अभी इस वक्त आपके लिए। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर टू सेलेक्ट किया है, सबसे पहला मैसेज आपके पर्सन का है कि देखिए ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस पाइल में ये नज़र आ रहा है कि फिज़िकली अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है आपका पर्सन आपकी तरफ। मतलब ये हमेशा 24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको आपकी तरफ आकर्षित करती हैं, जैसे आपका स्माइल, आपका कम्युनिकेशन करने का तरीका, आपका पहनावा, ड्रेसिंग स्टाइल, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, आपकी वाइब्स इनको बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं। तो ये अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये भी नज़र आ रहा है कि इतना अट्रैक्शन होने के बावजूद यहाँ पर इनको एक डर है, एक फियर है, और इस फियर के कारण आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और ये फियर हाई प्रिस्टेस का है, किसी न किसी थर्ड पार्टी का है, बिकॉज ही और शी इज़ जगलिंग बिटवीन टू सिचुएशंस। ज़्यादातर तो ऐसा नज़र आ रहा है कि व्यक्ति प्यार आपसे करता है या करती है, बट इसके लाइफ में कोई अदर प्रॉब्लम है, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, बिकॉज वी हैव गॉट पेंटिकल्स, या फिर फैमिली प्रॉब्लम्स, या इसका किसी तरीके का ऐसा पास्ट है जिसके कारण, या फिर आपका किसी तरीके का पास्ट है जिसके कारण इनको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता बहुत कठिन है। मतलब एक स्टेज पर ले जाना, इस रिश्ते को सबके सामने रखना थोड़ा सा मुश्किल है। प्यार तो है, लेकिन ये डर है, फियर वाली एनर्जी है। लेकिन इनका मैसेज ये है कि चाहे आप दोनों के बीच में कितनी भी तकलीफ़ें हैं, इनको भी पेन है, इनको भी सफरिंग होती है आपसे दूर होना, इन्हें भी अच्छा नहीं लगता, प्यार बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो एनर्जी है वो फुलफिलमेंट की तरफ नज़र जा रहा है। यहाँ पर सब कुछ जैसे बहुत कठिन फेज से गुजर रहा है, बट एक ना एक टाइम ये फुलफिलमेंट की तरफ जाएगा। चीज़ें कठिन हैं, बट धीरे धीरे करके ये चीज़ें फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है। तो आपकी इच्छाएं पूरी ज़रूर होंगी, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है इस वक्त, या आपको कोई ना कोई सफरिंग, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन अपनी बता सकती हैं या बता सकते हैं कि इनके लाइफ में किसी ने इनको धोखा दिया है या किसी तरह का इनका बुरा फेज चल रहा है। लेकिन ये स्ट्रांग पर्सन है, जो भी हैं आपके पर्सन ये स्ट्रांग है और ये बहुत प्यार करते हैं आपसे। इनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जो प्यार है, मोहब्बत है, एक पैशन है आप दोनों के रिश्ते में, और ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहती हैं या करना चाहते हैं। इमोशनली भी ये बंदा या ये बंदी आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, आपको अपनी फैमिली समझता है या समझती है, ये वाली वाइब्रेशन है। तो गाइज, जिन्होंने भी पाइल नंबर टू सेलेक्ट किया है, आपके और आपके पर्सन के बीच में ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ पे ये पेन और ये सफरिंग जो है ना, ये ज़्यादातर आपके पर्सन की है, बिकॉज ऐसी वाइब्स हैं जैसे इनको खुद ही गिल्ट होता है, इनको खुद ही तकलीफ होती है जब भी ये आपको छोड़कर दूर जाती हैं या दूर जाते हैं। तो ये अगर किसी सिचुएशन या किसी मजबूरी में है, मून रिप्रेजेंट मदर, अगर आप दोनों के बीच में कोई फैमिली इश्यूज हैं या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे कि आप दोनों की कास्ट अलग है या ट्रेडिशन अलग है या कल्चरल डिफरेंसेस हैं या एज डिफरेंसेस हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ों को थोड़ा स्लो लेकर चलेंगे, लेकिन फुलफिलमेंट तक ले जाएंगे। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली हो कि अभी आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।